शामी साहब सब सबसे पहले तो ये जो बुकटी साहब का मामला है आपको जाए हम तो यहीं थे सर यहीं थे <laughs> वो चलिए मैंने कहा शायद आप अदम सुनाने लगे हैं <laughs> अदम अदम का शेर है शायद मुझे निकाल के पछता रहे हैं आप महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ मैं। लेकिन मैंने आप जैसे साजा कराम से इसकी पैरोडी भी सुनी शायद, शायद मुझे, मुझे निकाल, के, निकाल के कुछ खा रहे हो आप कुछ हुआ। खा रहे हैं आप लेकिन हमने तो निकाला नहीं था आपको अच्छा वरना आप तो कहते मुझे क्यों निकाला ये नहीं, तो ये राग महंगा है ये तो आपकी, तो आपकी अपना एक उबाल उठा था चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वापसी मुबारक हो बहुत शुक्रिया बल्कि वापसी तो जाना तो मैं समझता ही नहीं चलिए रुखसत में चंद रोज के लिए रहे चंद रोज की छुट्टी थी सर बहरहाल अच्छा सामिशाह ये सरफराज बुकटी साहब का जो मामले से मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा सबसे इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि मुझे चंद रोज पहले इस्लामाबाद से बड़ी अहम जानकारी मिली उनकी कैबिनेट के एक अहम जिम्मेदार ने मुझे बताया जब बुकटी साहब जा रहे थे कि ये होने जा रहे हैं तो खबर उनके दुरुस्त हुई लेकिन ये अखलाकी और कानूनी जवाब क्या है क्या आइन में नहीं लिखा हुआ कि अगर आप निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं तो उसके बाद आप या आपकी इमीजिएट जो फैमिली है वो आने वाला चुनाव नहीं लड़ सकती मैं उसमें यह है कि जो इंतखी शेडूल जो है आ, उसके ऐलान करने से पहले आप ये फ़ैसला कर सकते हैं जब इंतखी शेडूल आ जाए उसके बाद इस्तीफ़ा नहीं दे सकते लेकिन मेरे ये ख़्याल है कि जब कोई शख्स निगरान वजीर बनता है उस वक्त ही ये बात वाजे हो जानी चाहिए के? कि उसने इंतब में हिस्सा नहीं लेना तो कानूनी तौर पर तो पाबंदी नहीं लेकिन अखलाक सवाल ज़रूर उठता है कि जब वो मगर क्योंकि अब अखलाक की वो खास अहमियत है नहीं ना हमारे यहाँ रह कहाँ गई तो वो सियासत में कौन सी अखलाकियात हैं और अखलाकियात तो, में कौन सी तो जब पंजाब में के पी के में सिंध में वो अखलाक वगैरह की बात तो नहीं होती ना सियासत में तो फिर हमारे जो बलोचिस्तान के भाई हैं उन पर क्यों हम ये अच्छा आप गुंजाइश पैदा कर रहे हैं पर क्यों इतलाक कर ये हैं। फिक गुंजाइश है या आईनी नहीं आइनी तौर तो पर तो वो हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन में क्योंकि शेड आने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया लेकिन अखलाक का मामला यह है कि उन बेचारों पर क्यों हमारे दोस्त हैं भले आदमी हैं और बड़े कमिटेड आदमी हैं पाकिस्तान के साथ उसकी सालमियत के साथ ये बात तो अपनी जगह जान दिल्ली पे लेके फिरते हैं तो उनको हम क्यों बल्कि उनकी फैमिली मुतासर रही उनको उन पर क्यों अखलाक नाफिजुंजाइश तो दे रहा हूँ लेकिन मैं आपको अब ये मैंने सुना यह है एक तो खबर थी वो जाएंगे नहीं चले गए आज तुरबत के जलसे में ऐलान करिबन एलान जी 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 हमास के जो तर्जुमान थे हाँ, उनसे से... मुलाकात हो रही थी तो अच्छा ऐलान हो गया उन्होंने बेनजीर भुट्टो शहीद की तस्वीर लगवाई थी ना बिलावल से मगवाक, के। ये एग्जैक्ट उस दिन की बात है कि उनके ही कैबिनेट जब वो कैबिनेट का हिस्सा होते थे उसके एक बड़े आह रुकन से मेरी मुलाकात हुई और उनसे मैंने पूछा कि हजूर माशाला तो बड़ा अच्छा जैस्चर है ये बुकटी साहब किस मशन पर है उन्होंने कहा जी, ये सर तस्वीर नहीं लगी ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आके बैठे बल्कि आप चंद रोज बाद पीपल्स पार्टी में देखेंगे और अगला मंजरनामा भी उन्होंने बयान कर अगर दें। बिलावल को बुलाया वहां शोदा की जो गैलरी है गो के... तस्वीर की लगाई और बड़ा मुस्कुरा के देखा उनकी तरफ उन्होंने उनकी, 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 उनकी तरफ तो मतलब यह मंगनी तो उसी दिन हो गई होगी थी वहां से मेरे कान खड़े हुए खबर ये मिली अब मैंने उनको फोन किया था मैंने कहा यहाँ लियाकत अली खान की तस्वीर भी लगाए ये आपने बुकटी साहब को फोन हाँ जी अच्छा यहाँ डॉक्टर खान साहब जो मगरबी पाकिस्तान से वजी आलत वो भी उनका कतल किया गया उनकी तस्वीर लगाए यहाँ अब्दुलसम जो बलोचि कामूद खानी के धमाके हाँ, में हाँ। के वालिद उनको शहीद हाँ। कर दिया गया उनकी तस्वीरें भी लगाए उन्होंने इतफाक किया था उस बात से फुर्सत नहीं मिली ना फिर उन्होंने काबे को जा रहा हूँ हो तो देख तो, तो मुस्लिम लीग नून तो फिर निगरान का हिस्सा बनने से पहले मौसू की लीगी आला क्या से मुलाकातें भी हो चुकी थीं। उससे पहले भी लीग से ताल्लुक रहा आपको याद है जब बाप में आने से पहले अब जब वो तस्वीर वाला वाक जो आप सुना रहे हैं तब मेरे कान खड़े हुए पूछा उनके एक साथी से जो बहुत क्लोज है तो उन्होंने तस्दीक की कि पीपल्स पार्टी में ना सिर्फ जा रहे हैं बल्कि इन्हें आइंदा के नक्शे में जब सुबाई हुकूमत बनेगी तो बहुत अहम बल्कि बहुत बड़ी जो सूबे की सौंपी जा सौी जा है। सकती है और मैंने उनसे ये पूछा कि भाई ये तो ऑल सेट फॉर नून लीग था तो पीपल्स पार्टी की तरफ रुजू क्यों हुआ है तो उन्होंने फिर उसकी भी ख़बर दी वो भी दे देता हूँ बगैर नाम लिए वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चाहती थी बलूचस्तान में जिस नौत का सेटअप जिन दोस्तों के जरिए वो गालिबा कहीं पसंद नहीं आया तो इससे पहले कि नूनली को पत्ता अपना मार लेती तो ये इंतज़ाम कर लिया गया बजरिया ज़रदारी साहब